अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ऑफिस से होंगे। आज हमारा डोबियो फिल्टर का लेक्चर नंबर है 13। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, किसी भी किस्म का सवाल हो तो जरूर कमेंट करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जी अपने गूगल में। अच्छा, आज जो हमारा टूल है ना वो है पेन टूल। बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ जी, मैं इतना कह सकता हूँ जी कि एडोब इलस्ट्रेटर में 50% यूज होने वाला टूल है जी पेन टूल। ठीक है, ये हमारे पास पेन टूल है जी। यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर पहला, अगर आप लोगों का इस तरीके से आ रहा है तो आप इसको इधर क्लिक करके यूं कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका होता है जी पेन टूल। सिंपल सा बिल्कुल टूल है, बहुत आसान काम है, मगर इससे बहुत सारे काम हो सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर अपना कर्सर रखूं तो आप लोग देख सकते हैं जी काम किस तरीके से करता है। इसने क्या बनाया, ये एक माउंटेन बनाया। कितने मिनट में, 1 सेकंड की, 1 मिनट के अंदर अंदर ये एक लाइन ड्रा की, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी नीचे, और ये देखें एक माउंटेन की शेप आ चुकी है। हम जाते हैं पेन टूल की तरफ। यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये लोगो आज का इसका, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद एक और यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, एंड एक यहाँ पे इसकी बिल्कुल पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दिया। देख सकते हैं ये बॉक्स मेरे पास आ चुका है, एंड ये बॉक्स खत्म। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हैं जी ये मेरे पास बॉक्स है। इस तरह जो चाहे वो कलर दे सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करें ये कलर, एंड ओके कर दें। ठीक है, ये देख सकते हैं जी पेन टूल का सिंपल सा वर्क है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है पेन टूल का, मगर इससे इसके जरिए बहुत सारे काम इजीली हो सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ जी, पेन अगर मैंने इस तरीके की चीज़ क्रिएट करनी है तो मैं चाहूँ तो बॉक्स की मदद से भी कर सकता हूँ, मगर पेन टूल का क्या काम है जी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये देखिए 12, मैंने 12 पॉइंट क्रिएट किए हैं और ये एक मेरे पास शेप बनी आ गई है। मतलब कि पेन टूल इतना ज़्यादा वर्क कर सकता है कि जितने चाहे उतने डॉट क्रिएट करें, उन डॉट्स की मदद से इसको जहाँ पे चाहे उस तरह का लाइन क्रिएट कर लें। पेन टूल कहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, एक कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे पेन टूल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज होता है, वो ये मैं आपको अगर गूगल में लेके जा सकूँ जी। ये मेरा गूगल, सॉरी, यहाँ से हम चलते हैं जी गूगल के अंदर, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी इलस्ट्रेशन, और एंटर दबा दिया। इलस्ट्रेशन क्यों मैंने सर्च किया, इलस्ट्रेशन होती क्या है? पहले चीज़ तो ये कि इलस्ट्रेशन होती क्या है, कोई भी सब्जेक्ट है जिसको आपने खुद क्रिएट किया हो, मतलब कि खुद क्रिएट करने से ड्राइंग जिस तरह कह सकते हैं, सिंपल मतलब कि खुद बा। अब अगर मैं आप लोगों को ये दिखा सकूँ यहाँ पे कौन सी चीज़ हम देख सकते हैं जी, ये तमाम की तमाम इलस्ट्रेशन है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ ये चीज़, एक ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से बनी हुई है, मैं आपको बता सकता हूँ ये कहाँ से बनी है। सिंपल एक टूल से, वो टूल कौन सा, पेन टूल। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ ये किसी भी, कोई भी इंसान इस जैसा होता है, मगर ये किसी इंसान की डायरेक्ट पिक्चर नहीं ली हुई। इसी तरीके से आप लोगों को खुद भी पता लग रहा होगा कि ये इंसान की तस्वीर नहीं है। ये अगर हम देखें तो ये इस तरह लग रहा है जिस तरह एक ड्राइंग बनी हुई है, मगर ये एक इंसान की मतलब की तस्वीर है, इंसान इस जैसा लगता है। ठीक है, ये एक ड्राइंग बनी हुई, एक आर्ट है। ये आर्ट आता कहाँ से, ये इलस्ट्रेशन, इसको हम कहते हैं इलस्ट्रेशन, जो कि हमने खुद क्रिएट किया है। ये आप किसी मदद से कर सकते हैं, पेन टूल की मदद से पेन टूल करके सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को और ही दिखाता हूँ। हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाली, एक सीन है ना, ये एक मैं कहता हूँ मैं इस जैसा एक सीन बनाना है, या हम करते हैं ये वाला कि मैंने इस तरीके का एक सीन बनाना है। वो किसकी मदद से हम बना सकते हैं, सिंपल एक टूल की मदद से। वो टूल कौन सा जी, पेन टूल। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ कॉपी करके दिखा देता हूँ जी। वापस ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे हम इसी तस्वीर को ले लेते हैं। मैंने सिंपली सर्च किया इलस्ट्रेशन, एंड इसको हम चले जाते हैं करेक्टर में। करेक्टर में यहाँ पे चले जाने के बाद काफ़ी सारे हमारे पास करेक्टर्स आ जाएंगे, मतलब कि कोई लड़के आ जाएंगे, कुछ लड़कियाँ आ जाएंगी, जिसके हम अंदर से जो से हमें अच्छी लगे हम उसको चूज़ कर लेंगे। हम चले जाते हैं इसकी तरफ, हम चले जाते हैं जी यहाँ पे। अगर हम पूरे सब्जेक्ट को लेना चाहें जी, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हमने क्रिएट करना है तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। हम अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे और बहुत सारी आ रही हैं, देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं तमाम की तमाम एक टूल की मदद से क्रिएट हुई हैं। वो टूल कौन सा है, पेन टूल। ये लोडिंग कर लेते हैं पूरी, हम तब तक चले जाते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर में, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक कर देने के बाद ये क्लिक किया, एंड ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, पता नहीं किस वजह से हैंग कर रहा है, मुझे समझ नहीं लग रही। अच्छा, यहाँ पे चले जाते हैं जी, पेन टूल को क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्लिक करना है, क्लिक कर देने के बाद दूसरा जहाँ पे क्लिक करने वहाँ से अगर हम इसको खाएंगे तो ये देखिए एक सर्कल आ चुका है, कड़व सर्कल नहीं कह सकते, कड़व हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए जहाँ पे खाएंगे उतना वो कड़व होती जाएगी।
अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे रोटेटेड लाइन आ रही है। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल सीधी लाइन है, सीधी लाइन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखिए रोटेटेड लाइन क्रिएट कर रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सीधी लाइन है, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो पिछला पॉइंट है ना उसके ऊपर आपने आर्ट के साथ ही क्लिक कर लेना है। किसकी मदद से? आर्ट के साथ, अपने कीबोर्ड से हमने आर्ट दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है, फिर क्लिक कर देना है। देखिए स्ट्रेट लाइन, मैं यहाँ पे अगर एक रोटेशन देता हूँ ना यू, तो देखिए मेरी ये जो अगली लाइन है ना ये भी रोटेशन में आ रही है, स्ट्रेट नहीं आ रही। स्ट्रेट किस तरीके से आएगी? वापिस आए, ये जो था डॉट है ना लास्ट वाला, लास्ट वाला, इसके ऊपर आर्ट के साथ ही क्लिक करें, फिर आ गई। देखें आप ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके, ठीक है, आप बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, पहले कर्व हो के आ रही थी। देखें एक ये आ गया, अगर इसी को अब मैंने यहाँ पे दोबारा से रोटेशन देनी है तो यूं मैं इसको रोटेशन दे सकता हूँ तकरीबन यहाँ तक, एंड ये देखें दोबारा से ये रोटेट हो रही है मेरी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, रोटेट है। तो हमने वापस इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड ये देख सकते हैं जी, अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो क्लिक कर लूँ यूं, एंड यहाँ से मैंने पॉइंट खत्म करना तो यहाँ पे क्लिक करके खत्म कर दिया। इस तरीके से मैंने एक चीज क्रिएट की है, एक सिंपल सी एम ही अपनी तरफ से एक चीज मैंने क्रिएट कर दिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस पूरे के पूरे को सिलेक्ट करके वापस आ जाता हूँ ये अपने गूगल में, और यहाँ पे ये मेरे पास इमेज आ चुकी है। ये बहुत ज्यादा मतलब कि हैवी मुझे लग रही है, हम कोई और को देख लेते हैं जी। स्क्रोल डाउन स्क्रोल डाउन स्क्रोल डाउन, एंड यहाँ से अगर आप इसको लेना चाहें जी, तो मैं कहता हूँ जी इस तरह की ना मैंने एक चीज क्रिएट करनी है, ये जो एक ये जो मैन है ना इसको मैंने खुद क्रिएट करना, किस तरीके से कर सकता हूँ, सिंपल है। पहले तो मैं इसको करता हूँ जी कॉपी इमेज, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, और अडोबी इलस्ट्रेटर में आए, इधर राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते साथ ही इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ओके स्टार्ट कहाँ से करना है आप लोगों, इलस्ट्रेशन होती क्या है? इलस्ट्रेशन ये होती है मैंने इस जैसा एक बंदा क्रिएट करना है, इस जैसा एक मैन क्रिएट करना है, तो इसकी मदद से करूंगा पेन टूल की तरफ आऊंगा। पेन टूल की तरफ आ जाने के बाद एक क्लिक यहाँ पे करूंगा, ठीक है, इधर से खींचता खींचता इसको यूं रोटेट दूंगा, एक क्लिक करने के बाद यहाँ तक, ठीक है, एंड एक यहाँ से तकरीबन यहाँ तक मैं इसको एक और रोटेशन दूंगा। एंड अब देखें ये ना अंदर से फील कर रहा है, मैं कहता हूँ फील ना करे, उसके लिए क्या करना है, छोड़ना नहीं है इसको, खत्म नहीं करना, इसी तरीके से डायरेक्ट आ जाना है फील के ऊपर और यहाँ से इसको खत्म कर देना है। और जो इसका स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक से मुराद की इसकी आउटलाइन वो ज्यादा करना है, टू करना है, ठीक है। अब ये देखें ये खत्म हो चुकी है, अंदर से जो फील आ रहा था ना वो खत्म हो गया है। अब क्या करें, यहाँ पे भी ये क्लिक कर देते हैं तकरीबन यहाँ पे, एंड इसको कर दें तकरीबन कहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक, ठीक है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा डन है। अब यहाँ पे क्या करें, आल्ट के साथ मैंने क्यों यहाँ पे क्लिक करूँ, आल्ट के साथ जितना क्लोज कर सकते हैं कर लें, आल्ट के साथ मैंने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये कि ये नीचे की तरफ ना जाए, डायरेक्ट ऊपर की तरफ मूव हो सके, देख सकते हैं मूव हो रहा है, ठीक है। इसको मैं दे लेता हूँ तकरीबन यहाँ तक, एंड दोबारा से आऊंगा, ये देखें ये बिल्कुल कर्व हो रही है, मैं इसको दोबारा इस पॉइंट के ऊपर आऊंगा, आल्ट के साथ एक क्लिक कर दूंगा, क्लिक कर देने के बाद दोबारा इस तरफ आ जाएंगे, एंड एक ये हम इलस्ट्रेशन के ऊपर ना एक और पूरा अपना एक लेक्चर में बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को और मजीद इसकी समझ लग सके। आल के साथ इसको भी माइनस कर दें, दोबारा इसकी तरफ आ जाएं, एंड इसको कर दें तकरीबन यहाँ तक रोटेट। देखिए ऊपर हमारा जो बाल है ना, हमारी जो इसकी हेयर है वो हमारे डन हो चुकी हैं। उसके बाद इस पॉइंट की तरफ आ जाएं, आल के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों ने गौर करना है। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे खत्म भी कर दिया, एंड ये देख सकते हैं जी एक पूरा सब्जेक्ट मेरे पास आ चुका है। ये हमारे पास एक हेड है, मैंने इस हेड पर रखा, इसका नजर नहीं आ रहा, फिल दे लेते हैं हम इसके अंदर ब्लू कलर के बाल, ब्लू नहीं होते, हम इसको व्हाइट कलर के बाल कह सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल सेम जैसे मैंने बाल क्रिएट कर लिए, ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ ओके बाल आ गए। मैं इसकी अब बेशक चाहूँ तो आउटलाइन खत्म कर सकता हूँ, जीरो कर देता हूँ, ये देख सकते हैं खत्म, ओके। अब मैं क्या करता हूँ जी, नीचे वाले हिस्से की तरफ आ जाता हूँ, बल्कि इस वाले हिस्से को अब यहीं पे इस तरीके से छोड़ देते हैं। मैंने सिर्फ अभी तक बाल क्रिएट किए हैं, मैं चाहूँ तो इसका पूरा फेस इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, किसकी मदद से, सिंपल पेन टूल, बहुत ही कमाल का टूल है। एक क्लिक यहाँ पे, दूसरा क्लिक यहाँ पे, इसको यूं मैं दूंगा रोटेशन तकरीबन यहाँ तक, एंड दोबारा आल्ट के साथ इसको माइनस कर दूंगा, कर दिया मैंने, आल्ट के साथ सिंपल क्लिक करना है, आप सेंटर में क्लिक कर दे लेते हैं ये यहाँ तक, ठीक है, और दूसरा जो क्लिक है वो दे देते हैं यहाँ तक, एंड ये देखिए फील आ रहा है इसके अंदर, फील आ रहा है ना, इसको फील को खत्म कर दें, फील को खत्म कर दिया, छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो फिर वो खराब हो जाएगा, हमने इसको छोड़ना नहीं है। और ये खींचते हुए ही इसका जो ईयर है वो भी हमने कर लिया क्रिएट, इतना क्रिएट हो चुका है। अब दोबारा आल्ट के साथ इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको माइनस कर दें,
अब दोबारा हम आ जाते हैं इसको, यूं इसके अंदर अंदर रहते हुए ना हम इसको फिल कर देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड इस पॉइंट को वापस इसकी तरफ ही आके खत्म कर दिया। अभी देखें एक और हमारे पास चीज क्रिएट हो गया आज की, इसको जो कलर है वो हम सेम जैसा दे लेते हैं, ये आईड्रॉपर को यूज करेंगे और ये कलर। अभी देखिए सारा इसका बढ़ चुका है, मैं क्या करता हूँ इसको राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज करके टू बैग पे ले देता हूँ, सेट टू बैग, सेंड टू बैग, वो बैग पे चला गया। मतलब कि ये जो साइज है ना हमारे पास, मैं आपको अगर माइनस करूँ, कंट्रोल माइनस करके इसको मैंने थोड़ा दूर किया, तो ये देख सकते हैं ये हमारा हिस्सा जो है ना वो डैटी है। मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ जी, वाइट कलर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इतना हिस्सा हमारा रेडी है, ये देखिए, ठीक है। अब हमारे ग्लासेस रह गए हैं, ये लिप्स रह गए हैं, ये तमाम चीजें अब आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं हल्की से फिर भी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ वापस, और मैं आपके सामने ये आपको क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर ना मैंने कलर दोबारा से दे लेता हूँ ये, एंड अरेंज टू बैक कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, ओके। अच्छा मैंने भी इसके ग्लासेस किस तरीके से क्रिएट करनी है, पेन टूल, यहाँ से यहाँ तक, या एक और टूल है वो पेन टूल के अलावा टूल है बहुत ही कमाल का, सिंपल रेक्टेंगल की तरफ आ जाएं। रेक्टेंगल की तरफ आ जाने के बाद ये देख सकते हैं जी यहाँ से यहाँ तक, एंड इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो फील है ना हम उसको कर देते हैं खत्म, फील को खत्म किया, स्ट्रोक में इसको दे लेता हूँ जी 10, यहाँ पे क्लिक किया 10 और एंटर दबा दिया, तो ये देख सकते हैं जी ग्लासेस का एक पॉइंट मेरे पास रेडी है। दूसरा पॉइंट किस तरीके से आएगा, आर्ट के साथ इसकी कॉपी ले लूंगा, दूसरा हिस्सा आ गया, सेंटर में मैं एक लाइन को क्रिएट कर दूंगा, और बस मेरी ग्लासेस भी रेडी। सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल, आप लोग इस तरीके से इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेन टूल को इजीली यूज कर सकते हैं। मैं पूरी कार ही देता हूँ ग्लासेस को भी, मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो भी जाए तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने इसको बाद जरूर करना है। अच्छा एक लाइन यहाँ पे पेन टूल की मदद से सिंपल इसके सामने एक यहाँ पे, ओके। एंड इसको जो स्ट्रोक है ना वो भी मैं दे लेता हूँ 10, एंटर, और ये देख सकते हैं ये हमारे पास, इसको हम सॉरी इसको नहीं इसको नहीं, ये जो सी लाइन है ना ये वाली लाइन, इसको पकड़ के ऊपर ले जाएं, तो ये देख सकते हैं ये भी आ चुका है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको शिफ्ट के साथ इस वाले पॉइंट को, और इनकी जो टॉप है ना यहाँ से बराबर कर लेते हैं, और इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देते हैं, ओके। तो ये देख सकते हैं जी एनक भी हमारी आ चुकी है यहाँ तक, ओके, ठीक है। अब हमारी जो अंदर आई है वो रह गई है, आई किस तरीके से आएगी, सॉरी ये पॉइंट गलती से आ गया, आई किस तरीके से आएगी, इधर राइट क्लिक करें, इलिप्स टूल की तरफ आ जाए, इलिप्स टूल, सर्कल क्रिएट करना है, मेक, ये देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल एक मैंने आई क्रिएट कर ली, एक ये इसको जो कलर है वो मैंने ब्लैक दे लिया, ओके। इसको ही पकड़ लेता हूँ, इसको रख लेते हैं हम यहाँ पर, ओके। यहाँ पे अब ये एक इसका नोज आ रहा है वो भी हमने क्रिएट करना है, उसके अलावा हम इसके जो लिप्स हैं, लिप्स हैं वो भी क्रिएट अभी कर देते हैं, इधर से पकड़ा इधर तक, एंड इसको थोड़ा सा रोटेट, इस पॉइंट को यहाँ तक, ठीक है। इसका जो फील है ना वो खत्म कर लें, पहले ही कर लिया करें, मेरा भी कई बार मसला बन जाता है, फिर खत्म किया। अच्छा इधर से हम इसको पकड़ के इस सेंटर में रखते हैं, नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इस पॉइंट पे इसको थोड़ी सी ऊपर रोटेशन चाहिए थी, एंड तकरीबन यहाँ तक इसको मूव कर लेते हैं, एंड यहाँ से भी सेम वैसे की इलस्ट्रेशन दे लेते हैं, देखें, ठीक है। हमारे लिप्स भी काफ़ी हद तक क्रिएट हो गए हैं, इसको जो स्ट्रोक है ना हम इसके अंदर एक कलर दे लेते हैं, वो भी होगा ब्लैक कलर, ब्लैक इस तरीके से कि फुल ब्लैक नहीं हमने करना, आई ड्रॉपर को यूज़ करते हैं, और ये वाला ब्लैक कलर, और इसको भी हम कर लेते हैं राइट क्लिक करके अरेंज टू बैक, ठीक है। अब ये जो इसके ये जो मेरे ख्याल में लिप्स है हम इसको क्रिएट करते हैं, पेन टूल, दोबारा से यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, दोबारा कंट्रोल आल्ट के साथ माइनस कर दें, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रफ बनाई है क्योंकि मुझे पता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों ने इतनी रफ नहीं बनानी है, आप लोगों ने कोशिश करनी है थोड़ी, देखिए कई बार ना ख़त्म भी हो जाता है, आप लोगों ने उसके लिए क्या करना है, दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर लें, इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, वो वापस आ जाता है उधर से, ठीक है। कई बार इस तरीके से आपका भी इशू आ जाएगा, मुझे पता है मेरा खुद कई बार आ चुका है, एंड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको हमने जो कलर देना है वो होगा रेड, इधर से हम ले लेते हैं रेड कलर, ओके ओके। अब यहाँ पे एक इसके जो टीथ हैं वो रह गए, हम इसको टीथ भी दे लेते हैं, सॉरी एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे, एक
हम इसके साथ साथ बना लेते हैं एक यहाँ पे, और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ओके ठीक है, इसको जो कलर देना हमने वो होगा व्हाइट कलर, यहाँ से इसको व्हाइट कलर। ओके अब ये गया कहाँ पे, ठीक है यहीं पे। अब हम इसको जो इमेज है ना, ये बड़ी इमेज, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास आ चुका है। ये इसको जो कलर है ना बालों का, वो हमने देना है ब्लैक कलर, ठीक है। या हम अगर इसको ब्राउन कलर देना चाहें, ब्राउन कलर कहाँ से आएगा, तकरीबन आई थिंक यहाँ से आ जाएगा, ये देख सकते हैं। ओके ठीक है, अब ये देख सकते हैं जी आपके सामने मैंने एक इलस्ट्रेशन रेडी किया है। एक आदमी की तस्वीर हमने तकरीबन 5 से 10-15 मिनट के अंदर बना ली, जो कि बहुत ज्यादा, मुझे पता है बहुत ज्यादा रफ बन चुकी है। मुझे पता है ये रफ मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि वीडियो के वरना बहुत ज्यादा लंबी हो जानी थी। वैसे भी आप लोगों ने अगर इस काम को यूज करना है तो उसके लिए आप लोगों के पास एक माउस जो होता है ना, कीबोर्ड, अपना कीबोर्ड नहीं माउस जरूर होना चाहिए, ताकि आप लोगों का बहुत ज्यादा काम सफाई से। मेरे पास फिलहाल है, मैं अपने लैपटॉप के अंदर वर्क कर रहा हूँ, तो मैं ई फ्रेम इसको आप लोगों को सिखाने के लिए सिर्फ इस तरीके से मैंने इलस्ट्रेशन एक रेडी किया है। इसका स्कोप इतना ज्यादा है कि आगे जितना भी फाइबर वगैरह उसके ऊपर स्कोप बहुत ज्यादा है। इसका है अपवर्ड के ऊपर, फाइबर के ऊपर इलस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा स्कोप है। आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जो इलस्ट्रेशन है, पेन टूल है, इसके ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी करें। उसके अलावा ये पेन टूल के साथ एक और भी टूल है, कर्वेचर टूल, इसका भी सेम जैसे काम है, काम इस तरीके से ही देख सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल लाइन और यहाँ से यहाँ तक, जिस तरीके से मतलब कि आप उसको कहेंगे ना उस तरीके से ये क्रिएट कर देगा, मगर ये पेन टूल की तरह का ही एक टूल है। तो ये थी आज की एक वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, शायद थोड़ी सी लंबी हो गई हो उसके तरफ, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये पूरा क्रिएट कर दिया। मैंने सोचा तो यही था कि थोड़ा सा क्रिएट कर दूंगा और बाकी कहूंगा आप लोग खुद कर लेना, मगर मैंने थोड़ा सा ज्यादा लंबा कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, इस तरह के आप लोगों को मजीद लेक्चर चाहिए, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी भी किस्म का सवाल हो तो जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, फी मान लीजिएगा।